लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर नगर निगम के बर्खास्त बेलदार रियाजुल हक अंसारी के घर छापा मारकर बेहिसाब संपत्ति का खुलासा किया है। इसके पास आय से कहीं ज्यादा संपत्ति और सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस इंदौर की टीम ने मंगलवार सुबह इंदौर नगर निगम के बर्खास्त बेलदार रियाजुल हक अंसारी के घर देव छाया अपार्टमेंट स्नेहलता गंज में कार्रवाई की। यहां जांच के दौरान रियाजुल और उसके परिजनों के नाम से भवन, भूखंड और दुकान होने की जानकारी मिली, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक आकी गई है। देव छाया अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 303, 404 और पेंटहाउस मिला। पाकिजा लाइफ स्टाइल में एक प्लॉट A22, जिसमें वर्तमान में मकान निर्माणाधीन है। नाहर शाहवली कंपाउंड खजराना में बहन के नाम पर मकान। जेल रोड में एक दुकान जिसे बेच दिया गया है, इनकी जानकारी लगी। तलाशी के दौरान रियाज अंसारी के घर से इन अचल संपत्ति के साथ सोने चांदी के गहनों के साथ 50,000 रूपये नगद भी मिले। इसके अलावा कुछ बैंकों में खाते होने की जानकारी भी लोकायुक्त पुलिस को प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की जाएगी। बर्खास्त बेलदार के घर के पास से एक डस्टर कार और 2 टू व्हीलर वाहन भी मिले हैं। रियाजुल हक अंसारी के घर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह ने 20 दिसंबर को ही बेलदार को बर्खास्त कर दिया था। उसने नगर निगम की छवि धूमिल करने के साथ अफसरों के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।